कुछ तरह प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कशिली में मेरे पास एक एमएमआरडी रेरा प्रोजेक्ट आया हुआ है। सो आप लोगों के बजट में बैठा के मैं दूंगा, क्योंकि रीजन कैसा है कि हमने बिल्डर से डिस्कस करके लिया है, प्राइसिंग रेट के ऊपर है। सो इसको मैं आपको वीडियो बताऊंगा पूरा प्रोजेक्ट का यहाँ पे। तो एक्चुअली देखिए, प्रोजेक्ट जो है अपना टोटल वहां पे देखा जाएंगे तो 5 विंग है। तो 5 विंग में से अभी 4 विंग का काम चालू है उसके अंदर, और स्टील प्लस 7 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पे। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एमिनिटीज में देखा जाएंगे वो गार्डन दिया हुआ है, किड्स प्ले एरिया है, क्लब हाउस है उसके अंदर, सब दिया है। बट ये एमएमआरडी रेरा प्रोजेक्ट है, कशिली लोकेशन में आता है। कशिली जो टोल नाका है वहां से वॉकेबल है, 10 मिनट वॉकेबल है चल के, तो एकदम प्राइम लोकेशन पे है। अभी यहाँ पे प्राइसिंग जो है, यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK प्राइसिंग है यहाँ पे। तो 1 BHK का मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें दो टाइप के प्राइसिंग रेट में निगोशिएट करके लिया है, मतलब मैं मीटिंग करके लिया है उनसे, बिल्डर से, और प्राइसिंग रेट निगोशिएट करके लिया हुआ है। आप जरा प्राइसिंग में जरा ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस कर रखिए, और आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको 1 BHK है, जिनको 1 BHK चाहिए तो 1 BHK एंड 2 BHK दो। तो 1 BHK जिसको चाहिए, 1 BHK में दो कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इसमें कैसा है कि जो रेगुलर पेमेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल 99% लोन कर रहे हैं, 90% लोन कर रहे हैं, 95% लोन कर रहे हैं, जो लोन थ्रू जाना जाते हैं उसका प्राइसिंग अलग है, और जो फुल डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब कैश पेमेंट, कैश मतलब पूरा चेक से ही पेमेंट होता है, बट फुल डाउन पेमेंट करते हैं उसका प्राइसिंग अलग है। मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है और तुरंत आप उसको बेचा जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। तो अभी देखिए 1 BHK में, मतलब 1 BHK में दो कॉन्फ़िगरेशन जिनको रिक्वायरमेंट है 1 BHK में, यहाँ पे 624 का बिल्डअप एरिया है, 624 बिल्डअप है, उसका यूजेबल जो कार्पेट आता है 416 का कार्पेट है, यूजेबल कार्पेट बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये नॉर्मल जो लोन थ्रू जाते हैं 99% 95% एंड 90% लोन में जाते हैं, तो इसका जो प्राइसिंग जाता है 5100 रेट, 5100 के रेट के तो पर स्क्वायर फीट ही आ जाता है, मतलब 5100 के रेट से कैलकुलेशन करने जाएंगे तो 31,82,000 आता है, 31,82,000। ये सिर्फ फ्लैट कॉस्ट है, प्लस इसमें आपका स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST और डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट चार्जेस 1,75,000 है इसमें आता है। तो ये पूरा टोटल ऑल इंक्लूसिव पकड़ते हैं, मतलब मैं सिर्फ फ्लैट कॉस्ट बता रहा हूँ पर स्क्वायर फीट से, ऑल इंक्लूसिव नहीं है, फ्लैट कॉस्ट ध्यान रखिए। एंड दूसरा है आपको 624 का, वही सेम है आपको अभी ये में इन्वेस्टर के लिए, मतलब जिनके पास जो पेमेंट है फुल डाउन पेमेंट है जिनके पास, तो जो रखे हुए, तो इसमें कैसा है कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें 4100 स्क्वायर फीट लिया हुआ है पर स्क्वायर फीट, मतलब 4100 में, ये फुल डाउन पेमेंट है, लोन नहीं है इसमें। आपको इसका जो प्राइसिंग जो जाता है 25,58,000, मतलब जिनके पास 25,58,000 है अवेलेबल अभी, तो आप यहाँ पे वन शॉट पेमेंट 15 डेज का पीरियड टाइम मिलेगा, मतलब 15 दिन का आपको पीरियड टाइम मिलेगा, आपको 15 दिन के अंदर 25,58,000 आप पे कर सकते हैं यहाँ पे फुल डाउन पेमेंट में, प्लस टैक्सेस। इन केस आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो प्लस टैक्सेस लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी 7%, रजिस्ट्रेशन 1%, GST 1%, एंड ये आपका डेवलपमेंट चार्जेस और लीगल चार्जेस, तो ये प्लस आ जाएगा उसके अंदर। अभी आप बोलेंगे मुझे 4100 के रेट में लोन करके चाहिए, नॉट पॉसिबल, याद रखिए, नहीं तो आप फोन करेंगे और पूछेंगे मेरे को 4100 के रेट से दीजिए और मेरे को लोन करके दीजिए, नॉट पॉसिबल वहां पे, क्योंकि आपको फुल डाउन पेमेंट 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, 15 दिन के ऊपर जाएगा तो आपका प्राइसिंग बढ़ जाएगा आपको। तो ये 4100 के रेट से आपको 25,58,000 आता है प्लस टैक्स से ज्यादा आता है। अभी मैंने आपको 624 का बता दिया 1 BHK। दूसरा है 1 BHK 675 का बिल्डअप एरिया है, तो इसमें जो 5100 के रेट से पर स्क्वायर फीट में जाते हैं तो 34,42,000 आता है प्लस टैक्सेस आता है इसमें, 34,42,000 ये प्लस टैक्सेस आता है, मतलब आपको जो टैक्सेस बताया मैंने, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST एंड डेवलपमेंट चार्जेस, तो ये आपको टैक्सेस आ जाता है। इसका यूजेबल कार्पेट है 4
49 का, मतलब 449 का यूजुअल, इसमें थोड़ा सा बालकनी है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये 449 का आपको मिल जाता है यूजुअल कारपेट। अभी ये आते हैं हम फुल डाउन पेमेंट पे, ये फुल डाउन पेमेंट पे आप आते हैं 675 का बिल्टअप एरिया, 4100 के रेट के हिसाब से 27,67,000 प्लस टैक्सेस, ये फुल डाउन पेमेंट वाला है। यहाँ पे याद रखिए, आप बार बार कंफ्यूज होइए मत, और मुझे फोन करेंगे आप बोलेंगे मुझे ये रेट से चाहिए, नॉट पॉसिबल। आपको मैं फुल डाउन पेमेंट में आपको 4100 के रेट से 27,67,000 प्लस टैक्सेस आ जाएगा आपको। तो ये इन्वेस्टर का फ्लैट। अब ये 1 BHK हो गया, दूसरा आता है 2 BHK में। तो 2 BHK में आप जाते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। सबसे पहले बिल्डअप एरिया है 926 का बिल्डअप एरिया है, 5100 के रेट से पकड़ेंगे आपको नॉर्मल, जो लोन करना चाहते हैं 90-95% लोन करना चाहते हैं तो 47,22,000 प्लस टैक्सेस आएगा आपको, ये 5100 के रेट से रेगुलर पेमेंट जो आप लोन करेंगे उसके। और आप फुल डाउन पेमेंट में करते हैं तो इसमें 4100 के रेट से 926 से कैलकुलेशन करेंगे, इसका 37,96,000 प्लस टैक्सेस आएगा इसके अंदर। तो ये आपको फुल डाउन पेमेंट में आता है यहाँ पे ये प्राइसिंग। तो अभी इसका जो यूजुअल जो कारपेट है, आपको 617 का यूजुअल कारपेट आएगा, बालकनी पकड़ के 617 का यूजुअल कारपेट आएगा। ये आपको 2 BHK का एक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है 1054, मतलब 1054 का आपको बिल्डअप एरिया आता है, 5100 के रेट के हिसाब से देखेंगे 53,75,000 जाता है, 53,75,000 आता है प्लस टैक्सेस आएगा इसके अंदर इसमें। और इसका जो यूजुअल कारपेट है 703, मतलब इसमें टेरेस फ्लैट आता है, बड़ा आता है, बालकनी बड़ा आता है, तो 703 का यूजुअल कारपेट आता है यहाँ पे। और उसका इन्वेस्टर, मतलब फुल डाउन पेमेंट में आप जाते हैं 4100 के रेट से 1054 के 43,21,000 में आता है, ये फुल डाउन पेमेंट में आता है यहाँ पे। तो ये पूरा आपको मैंने रेगुलर प्राइसिंग का और जो फुल डाउन पेमेंट का आपको मैंने प्राइसिंग बताया है। जिनको आपको इंटरेस्ट है, आपको लेना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिए साइट विजिट के लिए। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर हुआ था 1 BHK का, उसमें जो है 675 का बिल्डअप एरिया है और 449 का यूजबल, उसका स्ट्रक्चर हो चुका है, अंदर का काम बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो पोजीशन जाएगा आपको 2023 दिसंबर जाएगा और दूसरा आपको 2024 आपको जून तक जाएगा, था इसमें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट जिनके पास जो डाउन पेमेंट है ना, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आप वो लेके तुरंत भी आप सेल कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखा जाएंगे तो 1 BHK में आपको कम से कम 7-8 लाख का प्रॉफिट होता है इसके अंदर, एंड 2 BHK में जाते हैं तो आपको 10-11 लाख का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। मतलब आपने आज डाला पैसे और दूसरे दिन आपको बेचना है तो आपको 10-11 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये आपको इन्वेस्टर के लिए, मतलब जो फुल डाउन पेमेंट जो करते हैं ना, जिनके पास पेमेंट है, उनके लिए है कि मतलब आप प्रॉफिट में, मतलब आप वो पैसा इसमें फिक्स डिपोजिट में डालेंगे तो 15 दिन में तो उतना तो हो नहीं पाएगा। बट उनके लिए अच्छा है कि जो हाई पेमेंट और तुरंत आपको बेचना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको वैसे निकाल वैसा पेमेंट देके और तुरंत आपको बेच के और आपको 10 लाख या 7 लाख पेमेंट तुरंत आ जाता है 15 दिन के अंदर। तो वही आपको बेनिफिट है आपके लिए। मैं आपको एक सजेशन दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मैं आपको एक 1 BHK का दिखाता था और बिल्डिंग का एलिवेशन, बिल्डिंग का काम चालू है वो दिखा देता हूँ। मैं आपको बिल्डिंग पे लिखा है, ये आपको फर्स्ट फ्लोर का दिखा रहा हूँ। ये देखो पैसेज एरिया है, जो लिफ्ट एरिया बोलते हैं वहाँ पे लिफ्ट एरिया और स्टेयरकेस एरिया, यहाँ पे लिफ्ट है और ये स्टेयरकेस है यहाँ पे। ये देखिए अभी स्ट्रक्चर का काम चालू है अंदर। यहाँ पे ये 675 का बिल्डअप एरिया है और 449 का यूजबल कारपेट है। ये लिविंग रूम विद ये बालकनी, बालकनी मतलब इसको छोटा सा टेरेस बोलते हैं, इतनी बड़ी बालकनी और वहाँ पे स्टैंडिंग बालकनी है यहाँ पे। ये देखिए ये आपका 449 का यूजबल कारपेट आता है। ये स्ट्रक्चर का काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है।
ये देखिए यहाँ पे पैसेज एरिया आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका किचन आ गया, ये आपका किचन इस तरफ, ये देखिए किचन आ गया आपका यहाँ पे, ये देखिए ये अभी किचन का काम चालू है इसमें। और अभी फिलहाल करंटली देखा जाए ये बिल्डिंग का प्लास्टर का काम चालू हुआ है, एक बिल्डिंग का 3 स्लैब का काम चालू है, एक बिल्डिंग का प्लिंथ का काम चालू है, और एक बिल्डिंग का 2 स्लैब हुआ है। देखिए ये आपका बाथरूम आ गया यहाँ पे, ये बाथरूम ऊपर लॉफ्ट दिया हुआ है इसमें, और इस तरफ ये आपका WC आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये इतना काम चालू है फिलहाल, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आपका बेडरूम आ गया, बेडरूम विद बालकनी आ जाता है इसके अंदर, और वाटर पैसेज भी आ जाता है इसके अंदर, वाटर पैसेज आ गया, और ये आपका बालकनी आ गया स्टैंडिंग। यहाँ पे सामने देखेंगे तो आपको वहाँ से कंपाउंड वॉल आ जाता है पूरा, पीछे साइड भी स्पेस दिया हुआ है, एक वाटर पैसेज है ये। चलिए मैं आपको अभी बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, काम क्या चालू है देखिए, ये देखिए ये टावर का काम चालू है यहाँ पे, ये 7 माला हो गया, ये 4 माला हुआ, ये 2 स्लैब हुआ, उधर प्लिंथ है, ये 4 विंग है, और यहाँ पे 1 विंग है जो गाड़ी खड़ी है ना इस तरफ। अभी आपने पूरा देख लिया 1 BHK का स्ट्रक्चर वगैरह, काम भी चालू है बिल्डिंग का। अभी ये मत फोन करके पूछिए कि बिल्डर कौन है। अभी आप ये पूछेंगे मुझे, बोलेंगे बिल्डर कौन है, क्या है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये सब चीज है ना, मैं आपको खुल के, मैं आपके लिए फायदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइसिंग और रेट कम लेके मैं लेता हूँ जाके वहां पे, तो उनका बिल्डर का नाम ओपन नहीं कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रीजन ऐसा है कि प्राइसिंग तो मैंने आपको बताया, पर फिर बिल्डर का नाम क्यों बताऊं? जब भी आपको इंटरेस्ट रहेगा, लेना रहेगा प्रॉपर्टी, उसमें लेना रहेगा आपको, फुल डाउन पेमेंट में आपको जाना है, तो उस टाइम ही मेरे पास आइए, मीटिंग करिए, बैठिए सामने डेवलपर बिल्डर के साथ बैठ के, फाइनल रेट हो जाएगा। जमता है तो आप दीजिए, नहीं जमता है, क्योंकि इसलिए नाम नहीं बताऊंगा आपको, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, आप फोन करेंगे 10 बार फोन करते हैं, बिल्डर कौन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कशीली किधर लोकेशन आता है, ये बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। जो फैक्ट है वो मैंने बताया है, मेरे पास सामने है, तो आप आइए और बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, डायरेक्ट मिले बिल्डर। देखिए प्रोजेक्ट का नाम बताने को प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि रीजन ऐसे है कि आप लोग इंक्वायरी करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम बटेंगे, डायरेक्ट बिल्डर के पास जाएंगे, तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या है? मैं मीटिंग करके बैठा हूं, बिल्डर तो आपको तो रेट देगा नहीं, वो रेट के हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी आपके पहले और बहुत लोग, 2 जन है, 2-3 जन है जो लेने वाले हैं, ऑलरेडी टच में उनसे बात हो गई है, मैंने आपको एक वीडियो बना दिया और आपको पिच किया, जो लोग वेटिंग में है जिनको मालूम नहीं पड़ता, अभी इतने सारे मेरे टच में है, बहुत हजारों लोग मेरे टच में है, तो मैं किसको किसको बार बार फोन नहीं कर सकता हूँ, किसको तुरंत व्हाट्सएप नहीं भेज सकता हूँ, तो इतना ध्यान नहीं रहता है, तो इस अच्छा मैं वीडियो बना देता हूँ, और वीडियो पे आप लोग तो है देखते रहते हैं, तो जो इन्वेस्टर है जो रेगुलर पेमेंट में जाना है, तो उसके लिए मैं आपको बेनिफिट अच्छे से अच्छा करके दूंगा यहाँ पे, तो आप आइए कॉल करिए, स्क्रीन पे जो नंबर दिया मेरे सेल्स मैनेजर का, उनको कॉल करिए, और मेरा भी डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है नीचे, और मुझे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो यहाँ पे, तो बेनिफिट अच्छा आपको करके मेंटेन दे दूंगा आपको, तो आपके बेटर है बजट में बैठिए और फाइनल रेट करके कर लीजिए आपको, क्योंकि बेनिफिट आपको ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ ही फ्लैट है उसमें, ज्यादा फ्लैट नहीं है, पूरा का पूरा बिल्डिंग नहीं सेल करेंगे, उसमें से कुछ ही फ्लैट दे रहे हैं और मेरे पास आया हुआ है, आपको मैं पिच करके बता दिया और आपको सजेशन दे दिया, आपको आपकी मर्जी, आपको आना है तो कॉल करके आइए, और प्रोजेक्ट भी अच्छा है एकदम, MMRDA रेरा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा है यहाँ पे प्रोजेक्ट है यहाँ पे। आप लोगों को ये पूरी डिटेल्स, आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा तो वीडियो से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे पहले आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।